हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश्वरी एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री राम कोचिंग्स में आपका वेलकम करती हूँ। और आज जो हम है इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस आर द टूल्स डेट अ पोएट कैन यूज़ टू क्रिएट रिदम। पोएटिक डिवाइसेस वो टूल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जो कि पोएट अपनी पोएम में रिदम क्रिएट करने के लिए, इन्हेंस अ पोएम मीनिंग, उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उसके मूड और द फीलिंग्स को बताने के लिए। और ये एक तरीके से किस जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने लिखा भी है कि दीज डिवाइसेस हेल्प पीस द पोएम टुगेदर। ये जो डिवाइसेस हैं, ये पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो हेल्प क्या करते हैं, अलग अलग पोएम के जो हमने पीसेस हैं उसको बिल्कुल हैमर और नेल की तरह, जैसे हैमर और नेल क्या करती है, जो वुड के प्लैंक्स को जोड़ती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये अलग अलग पोएम को जो पीसेस हैं उनको एक रिदम, एक फ्लो में इसको क्या करती है, क्रिएट करती है। Some of these devices are used in a literature as well as, ये literature में भी use किए जाते हैं poetic devices, ताकि उसकी clarity हो सके। और आज जो है हम इन्हीं poetic devices के बारे में क्या करेंगे, discuss करेंगे। अब आप screen पर देख रहे हो, following are the example of some poetic devices। वैसे तो poetic devices बहुत होती है, more than 80 plus है, but हम यहाँ कौन कौन से जो important हैं इस video में, कुछ उनके बारे में discuss करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, इसको अनुप्रास अलंकार भी बोल देते हैं। रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो दो उसमें डिवाइड हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल। बट लेकिन जो साउंड्स होते हैं, वैसे हम देखते हैं तो वोवल कितने कितने होते हैं, 5 होते हैं, बट साउंड कितने होते हैं उसके, 11 होते हैं। तो यहाँ हम किसकी बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड की। रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का जो है बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे कि मूड रिदम जो है वो स्टोरी या पोएम में क्रिएट किए जा सके, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हो, शी सेल्स, शी शेल्स बाय द शी सोर। ये ज़्यादातर हम बोल के भी देखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं देखो एक रिदम क्रिएट हो रही है, और इसमें स जो साउंड है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एसोनेंस। अब एलिट्रेशन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। एसोनेंस में क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड। अब वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ वोवल साउंड है। पहले मैंने आपको बताया था वोवल साउंड 11 टाइप्स के होते हैं। ये क्या करेंगे, मूड और रिदम जो है वो स्टोरी या पोएम में क्रिएट करेंगे, लाइक मोजेस, सपोज, हिज टोज और रोजेस। अब देखो इसमें साउंड किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है। ओ जो है वो साउंड क्या होता है, वोवल का साउंड होता है। ठीक है, आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग। दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग हैं उनके बीच में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, लाइफ इज़ अ हाईवे। लाइफ एक अलग चीज़ है, हाईवे एक अलग है, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ उसका मीनिंग वो क्या होगा, हमारा मेटाफर। जैसे कैमल इज़ द शिप ऑफ अ डेजर्ट। कैमल अलग है, शिप अलग है, ठीक है, दोनों को हम यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, मेटाफर। नेक्स्ट आता है हमारा सिमली। अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक और एस। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन दो डिसिमिलर थिंग्स, यानी दो अलग अलग चीज़ों का जब कंपैरिजन हो रहा है जिसमें हम लाइक और एस का यूज़ नहीं कर रहे, वो तो क्या है, मेटाफर। और जिसमें हम लाइक और एज का यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, सिमली। शी लुक्स लाइक आलिया भट्ट। अब देखो शी की एक अलग पर्सनैलिटी है, आलिया भट्ट की अलग है, लेकिन क्योंकि वो सुंदर है तो हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, लाइक का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सिमली हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग द ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स। कवि की दुनिया अपने आप में, एक जो पोएट होता है वो फिक्शन लाइफ जीता है, कल्पना की जीता है, वो क्या करता है, किसी भी करेक्टर को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को एक ह्यूमन करेक्टर की तरह ट्रीट करता है, और इस तरीके का जो वो डिवाइस यूज़ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन।
द विंड विस्पर, अब यह विंड देखे, विंड को किस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, विस्पर जो है वो विस्परिंग कर रही है, विस्परिंग ह्यूमंस करते हैं और यहाँ पे विंड का दिखा रखा है, तो ये क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है ओनोमेटोपिया, जो उसमें क्या होता है, अ फिगर ऑफ अ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना होता है। जब किसी वर्ड को हम नकल करके उसकी उसकी साउंड की नकल निकाल के जब हम उसे बताते हैं तो उसे बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे कि टिक टिक ऑफ वॉच, क्लॉप क्लॉप ऑफ कैमरा, द बी बर्स्ट। अब यहाँ देखिए, इनके जो साउंड है उसको इमिटेट करके पोएट क्या करता है, इफेक्ट क्रिएट करता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ओनोमेटोपिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयरनी, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेड आउटकम इन द एक्चुअल वे। कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में, जो एक्चुअलिटी में बंदा बोल रहा है उसका मीनिंग कुछ और हो, उसको हम क्या कहते हैं, जस्ट मीनिंग उसके अपोजिट हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयरनी बोल देते हैं। जैसे अ मैरिज काउंसलर फाइल्ड फॉर द डिवोर्स, अ मैरिज काउंसलर, देखिए, और वो क्या किसके लिए कर रहा है, डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है, तो बिल्कुल जस्ट क्या है, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में जो एक्चुअल सिचुएशन है वो उसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, आयरनी कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पन। पन को इजीली वे में आप कैसे समझ सकते हो, पन मीन्स वन। ओके, अ ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड, ऐसे मजाक या शब्दों का इस्तेमाल या ऐसी फ्रेज का इस्तेमाल जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हो और पोएट उसका यूज़ करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पन। अब इसमें एक एग्जांपल देखिए, वाई इज़ इट ईजी फॉर एन एलिफेंट टू ट्रैवल, ठीक है, हाथी के लिए यात्रा करना कैसे आसान है, ही कैन कैरी हिज ओन ट्रंक, कि भाई हाथी के लिए अपनी सूंड को साथ लिए कैसे यात्रा करना आसान है। अब ये क्या है, ह्यूमरस क्रिएट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है हाइपरबोल, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं अतिशयोक्ति, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, आपके पास है चीज़ें कम लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, एक्चुअल सिचुएशन से उसको एग्जर्शन करते हो, उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं हाइपरबोल। एन एग्जर्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना क्या होता है, हाइपरबोल। आई एम हंग्री इनफ, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़े को ही खा जाऊँगा। अब ये देखिए कितनी चीज़ें बढ़ाकर बताई गई हैं, सो डैट इज़ नोन एज अ हाइपरबोल। एक्चुअल सिचुएशन से ज़्यादा जब किसी चीज़ को बढ़ाकर बताया जाए तो वो होता है हाइपरबोल। नेक्स्ट हमारा आता है पैराडॉक्स। ओके, अ स्टेटमेंट दैट एट फर्स्ट अपीयर कॉन्ट्रोडिक्टरी, शुरू में आपको कुछ लगता है और बाद में पता चलता है कहानी कुछ और ही थी, दैट इज नोन एज अ पैराडॉक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ इसमें बता रहा है, बट वन क्लासेस एग्जामिनेशन कंटेन द ट्रूथ द लॉन्गेस्ट। आप सोचते हो कोई पता नहीं कितना लॉन्गेस्ट आपको स्टार्टिंग में कुछ बता रहा है, बट शॉर्टकट फिर यूज़ किया जा रहा है पैराडॉक्स की, स्टार्टिंग कॉन्ट्रोडिक्टरी अपोजिट जो सिचुएशन स्टार्टिंग में कुछ दिखती है और एक्चुअलिटी में बाद में कुछ और होती है, डैट इज़ नोन एज द पैराडॉक्स। ओके, नेक्स्ट आता है कनेक्शन, द फीलिंग एंड द एसोसिएशन सजेस्टेड बाय वर्ड्स, ऐसी फीलिंग ऐसी इमोशन जिनको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे बोलते हैं कनेक्शन। एग्जाम्पल जैसे इसमें बताया है, द डिफरेंस बिटवीन द थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी को यहाँ उसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन उसको एक वर्ड दिया गया है, ऐसी फीलिंग को हमने क्या दिया है, वर्ड दिया है। चीप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पे, नेगेटिव, लेकिन यहाँ हमने उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया है, चीप। ऐसे वर्ड्स जो कि फीलिंग को एसोसिएट करते हैं, डैट इज़ नोन एज अ कनेक्शन, यानी उसको वर्ड्स को फीलिंग के साथ जो जोड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, अ फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स। एग्जाम्पल, अब देखो दो अपोजिट वर्ड का एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज होना वो क्या है, ऑक्सीमोरन है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना कि पैराडॉक्स में क्या है, कॉन्ट्रडिक्टी है, बट वो स्टार्टिंग में कुछ दिखती है बाद में कुछ होती है। ऑक्सीमोरन में क्या है, टू अपोजिट वर्ड्स जो है वो एक साथ एक सेंटेंस में यूज हुए हैं उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। अब यहाँ इसका एग्जाम्पल देखिए, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, स्वीट भी यूज़ किया हमने, सोरो भी यूज़ किया है, दोनों अपोजिट हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों को यूज़ किया, वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीमोरन। ओके, नेक्स्ट आता है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ इमेजेस, यानी कि
जो है किरदार बनाए जाते हैं, ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स, वर्ड्स को यूज कर कर अपने आप ही एक इमेज, एक कल्पना, एक तस्वीर आपके सामने रखी जाती है कि आप भी जो रीडर है वो उसके माइंड में ये इमेज क्रिएट हो जाए, उसके लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं इमेजरी, द क्रिएशन ऑफ इमेजेस यूजिंग द वर्ड्स, शब्दों का इस्तेमाल करके इमेज क्रिएट की जाए वो इमेजरी है। शेक्सपियर क्या करता है, कंपेरिजन करता है लव को समर डे से कंपेरिजन, तो यहाँ शेक्सपियर समर डेज को बताकर लव से उसका कंपैरिजन आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड। अब यहाँ उस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, एलिट्रेशन में क्या था, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, एसोनेंस में क्या था, रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड, वहाँ दोनों साउंड थे, और यहाँ रिपीटेशन में क्या है, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड को बार बार बोलकर जब पोएट उस चीज को स्ट्रेस डालता है तो उसे बोलते हैं रिपीटेशन। शी वेंट डाउन डाउन डाउन, अब यहाँ देखो डाउन वर्ड को कितनी बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया है इफेक्ट डालने के लिए, दे वेंट ऑन ऑन ऑन, यहाँ हम उसको एक वर्ड का बार बार यूज़ करके इफेक्ट डालने की कोशिश, स्ट्रेस डालने की कोशिश करें, वो हो गया है रिपीटेशन। नेक्स्ट आता है रिफ्रेन, रिपीटेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, रिपीटेशन में क्या है, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, रिफ्रेन में क्या हो रही है, लाइनें रिपीट जो रिपीट हो रही हैं। ब्रुक पोएम आपने देखी होगी, 9th क्लास में है, उसमें क्या कहता है कि हर स्टेंजास के बाद एक लाइन रिपीट हो रही है, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, आई गो ऑन फॉर एवर, वहाँ पर जो ब्रुक, जो छोटी नदी है वो अपनी लिए बता रही है और बार बार इस लाइन को यूज़ करे इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो वो क्या हो गया, रिफ्रेन हो गया। नेक्स्ट आ गया है लिटोइस, और उसमें क्या कहता है, लिटोइस सॉरी, अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच समथिंग इज सैड एंड डिनाइंग द अपोजिट, कुछ किसी चीज़ को अंडरस्टेटमेंट इन विच समथिंग इज सैड, जिसमें कुछ कहा जाता है और किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ को मना करने के लिए, जैसे इट इज़ नॉट द बेस्ट वेदर टूडे, आज ये काम करने के लिए भी आज ये समय नहीं है, आप कई बार किसी को डिनाई करना चाहते हो तो उसके लिए जिस अंडरस्टेटमेंट वर्ड्स का एक्चुअलिटी की बजाय उसको कम आंककर आप उस चीज़ को दिखाते हो तो वो होता है लिटोइट्स। ओके, थीम, थीम क्या होती है, कोई भी स्टोरी या पोएम उसका सेंट्रल आइडिया, यानी कि पोएट अपने माइंड में एक आइडिया सेट करता है, उस आइडियाज़ को के थ्रू वो पूरी पोएम को क्रिएट करता है, तो जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है उसे हम क्या कह देते हैं, थीम कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है जैरगन, लैंग्वेज ऑफ अ पेक्यूलर टू अ पर्टिकुलर ट्रेड और प्रोफेशन, एक ऐसे वर्ड्स का यूज़ जो स्पेशली किसी प्रोफेशंस में यूज़ किया जाता हो। अब जैसे हार्ड कॉपी है, वो एकेडमिक्स हो, बिजनेस हो, तो उसमें हम हार्ड कॉपी किस लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल प्रिंट आउट, कि भाई हमें तो हार्ड कॉपी दे दो, इसका तो पेज पे निकाल के दे दो, हमें इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, हमें तो इसकी क्या चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ करना किसी प्रोफेशंस से रिलेटेड, वो हो जाता है जैरगन। ओके, नेक्स्ट आता है जुक्स्टापोजिशन, इसमें क्या होता है कि इज अ ओवरलैपिंग ऑफ द मिक्सिंग ऑफ अपोजिट ऑफ द डिफरेंट सिचुएशन, अलग 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 परिस्थितियों को, अलग अलग करेक्टर्स को, अलग अलग सेटिंग्स को, मूड्स को, अलग अलग विचारों को क्लैरिफाई करने के लिए, जो करेक्टर का पर्पस होता है उसके साथ उसको जोड़ने के लिए जो है कुछ, या कुछ मूड्स जो कि ह्यूमर या किसी मजाक को क्रिएट करने के लिए, डर को पैदा करने के लिए, या सस्पेंस क्रिएट करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है जुक्स्टापोजिशन। ठीक है, यानी कि अलग अलग करेक्टर, अलग अलग सिचुएशन को मिक्स कर कर हम या तो ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, या हॉरर क्रिएट कर रहे हैं, या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, जुक्स्टापोजिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है लिटरल लैंग्वेज, व्हाट इज सेड, इसमें होता है व्हाट इज सेड इज बेस्ड इन अ रियलिटी पोएट, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको कहा था कि पोएट एक फिक्शन लाइफ जीता है, बट यहाँ पर लिटरल लैंग्वेज में जो बेस्ड ऑन रियलिटी, जैसे पृथ्वीराज चौहान के जो फ्रेंड थे उन्होंने रियलिटी के बेस्ड जो पोएम लिखी थी, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, लिटरल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोकोफोनी, कोकोफोनी क्या होता है, कोकोफोनी का देखिए, हार्श साउंड्स इंट्रोड्यूस फॉर द पोएटिक इफेक्ट,
समटाइम्स वर्ड्स दैट आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है जो एग्जैक्टली उसको प्रोनाउंस करने में, बोलने में डिफिकल्ट होते हैं या हार्श साउंड क्रिएट करते हैं, और या उन वर्ड्स ने आपके माइंड में पहले से ही हार्श थिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है. सॉरी, इसमें भी नेक्स्ट एग्जांपल कहते हैं, इट इज़ इजी टू इमेजिन सिचुएशन. अभी आपके लिए जो मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं या जो बिग सिटीज़ में रह रहे हैं उनके लिए जो है कार हॉर्न, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉइजेस, ये सारी चीज़ें, लोगों का चिल्लाना, ये कोकोफोनी है कि वो उसे हैबिचुअल हो चुके, एक हार्श साउंड है. कभी कभी कोई चीज़ सुनकर जैसे कि आप अच्छा फील करते हो वो अलग चीज़ होती है, बट कोकोफोनी क्या कहते हैं, जिस जो आपको ऐसे साउंड्स क्रिएट करना जो वैसे, यहाँ पे इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है कि रीडर्स के लिए उसे प्रोनाउंस करना, उसे एक इमेज जो है हार्श इमेज क्रिएट करना कोकोफोनी होता है. नेक्स्ट होता है क्लिच, एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन दैट हैज़ लॉस्ट इट्स इंटेंडेड फोर्स ऑफ द नोवेलिटी. बार बार ओवर यूज एक्सप्रेशन, बहुत बार जो एक्सप्रेशन को हम यूज़ कर देते हैं उसके लिए, जैसे कि उसका एक्सप्रेशन, जो फोर्स डाला जाए किसी चीज़ पे पर्टिकुलर, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल. देखो अब जो ऑल वन जो है तीनों ही वर्ड्स का ओवर यूज, ज़्यादा यूज़ किया गया है, इसलिए ये क्या है, क्लिच है. नेक्स्ट है आपका अपोस्ट्रोफ. लिटरेचर में अपोस्ट्रोफ जो है वो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी मे बी ह्यूमन बीइंग हो या नॉन ह्यूमन थिंग्स हो, उनको हम नॉन ह्यूमन थिंग्स, मेनली क्या होता है नॉन जो ह्यूमन थिंग्स हैं उनको हम संबोधित करके बोलते हैं, उनको जो है उनको यहाँ पे एड्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफ. अब जैसे हमने अपने सभी ने बचपन में एक पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. अब यहाँ वो जो स्टार है, लिटिल स्टार है, उसको संबोधित कर रहा है पोएट, वो उस चीज़ को, उसको एड्रेस कर रहा है, उसके बाद जो उससे बातें कर रहा है वो क्या हो गया है, अपोस्ट्रोफ हो गया. ओके, इसके बाद हमारा आता है एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है, ये सारा किस में चलता है, आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है. इसको हमें इजीली जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में समझ सकते हैं. ऐसे रिहर्टिकल डिवाइसेस जो सिचुएशन के जस्ट जो लास्ट वाली सिचुएशन है उसको पहले बता दिया जाए और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है तो उसे बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स. अब यहाँ इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आई डाई फेंट फेल. अब आना क्या था, फेल आना था, फिर फेंट आना था, फिर डाई आना था, बट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सिचुएशन को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा है तो ये क्या हो गया है, एंटी क्लाइमैक्स. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सिचुएशन को जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सिचुएशन जो उसका ऑर्डर था उसको जस्ट उल्टा करके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको दिखाया जाए वो क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है. क्लाइमैक्स क्या होता है, इन दिस थॉट्स रिप्रेजेंट इन असेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट टू द एंटी क्लाइमैक्स. एंटी क्लाइमैक्स के जस्ट अपोजिट है क्लाइमैक्स, इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं, जो सिचुएशन जो हुई थी, जो उसकी सीक्वेंस थी, उस वे में दिखाते हैं. फेल, फेंट और डाई, ये इसकी एक्चुअल जो है सिचुएशन थी और उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है तो इसलिए ये क्या हो गया है, क्लाइमैक्स हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है साइनेडिकी. साइनेडिकी इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल. कि कई बार क्या होता है, एक वर्ड जो है वो कंप्लीट सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर देता है और या फिर कंप्लीट सेंटेंस किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर देता है तो वो होता है साइनेडिकी. जैसे यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या कर रहा है, सभी शिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेल जो है वो शिप का एक पार्ट है बट कंप्लीट शिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, साइनेडिकी कहेंगे. ओके, आई होप आपको ये पोएटिक डिवाइसेस पसंद आए होंगे. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट प्लीज कमेंट इट. ओके, थैंक यू.